नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार यूपीएससी परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। श्रुति शर्मा के बाद अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान और गामिनी सिंघला को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। यूपीएससी सीएसई 2021 फाइनल रिजल्ट में कुल 685 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। वो बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांधी भवन में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच एक शख्स ने उन पर काली स्याही फेंक दी। दोनों किसान नेता एक लोकल चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा बच्चों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के पद पर बंपर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 मई से शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 जून है। इच्छुक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। एक हफ्ते पहले तक यूक्रेनी नेता आत्मविश्वास से लबरेज थे कि वो बहुत जल्द रूसी सेना को यूक्रेनी धरती से खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। एक हफ्ते पहले जो पश्चिमी ये दावे कर रहे थे कि रूस बुरी तरह से पराजित हो रहा है, उन पश्चिमी मीडिया पर कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना डोनबास क्षेत्र में एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है और पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र जो अजोब सागर और उससे आगे का तक फैला हुआ है, उस पर बहुत जल्द रूस का कब्जा होने वाला है। IPL 2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला जा रहा है। इस मैच से पहले BCCI ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। IPL के 15वें सीजन के फाइनल मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक विशालकाय जर्सी का प्रदर्शन किया गया। ये जर्सी दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी है, जिसके बाद ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये जर्सी IPL के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। भाषा को विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम माना जाता है, मगर देश में भाषा को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी है। पिछले दिनों साउथ सुपरस्टार किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच भी ऐसी ही बहस देखने को मिली, जो अब शांत हो चुकी है, लेकिन तमाम अभिनेता और नेता अभी भी इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। हालांकि ये विवाद या बहस का मुद्दा नया नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने शनिवार को अपने नतीजे पेश कर दिए। कंपनी के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं। आज सुबह के कारोबार में ये शेयर हरे निशान में कामकाज कर रहा है। फिलहाल 1.35 बजे के आसपास NSE पर यह शेयर 1.35 रुपए यानी कि 0.94% की कमजोरी के साथ 142.45 के स्तर पर नजर आ रहा है। ONGC ने रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया कि कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट मार्च तिमाही में 8,859.54 करोड़ रुपए बढ़ा है। LIC के बोर्ड की मीटिंग आज होने वाली है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के जख्म पर मरहम लगा सकती है। वो आज शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। इस बैठक में 31 मार्च को खत्म फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में नौकरी की कमी की एक बड़ी परेशानी रही है। हालांकि जहां एक तरफ पुराने पैटर्न वाली नौकरियां खत्म हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी नौकरियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन स्किल गैप की वजह से कई भारतीय नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नई पहल शुरू कर दी है। बोर्ड रोड विंग बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स रक्षा मंत्रालय ने स्टोर कीपर टेक्निकल और मल्टी स्किल्ड वर्कर के पद पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार में एक संक्षिप्त अधिसूचना प्रकाशित की है। विस्तृत अधिसूचना जल्द ही BRO की आधिकारिक वेबसाइट यानी BRO.gov.in पर अपलोड की जाएगी। अवसंरचना क्षेत्र की कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो ने सोमवार को कहा कि उसे चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक और महत्वपूर्ण अनुबंध ऑर्डर मिला है। कंपनी के परियोजना वर्गीकरण के अनुसार इस ऑर्डर का मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से 2,500 करोड़ रुपए के बीच है। चीन की जनसंख्या में साल 2021 में मात्र 4,80,000 की बढ़ोतरी हुई। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक चीन की आबादी 2021 में 1.41212 बिलियन थी, जो कि बढ़कर साल 2021 में 1.41260 बिलियन हो गई है। शंघाई अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज की टीम द्वारा तैयार आंकड़े बताते हैं कि साल 2100 तक चीन में बुजुर्गों की जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी।
राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के नेतृत्व में विदेश दौरे पर रवाना हो गए। अपने 8 दिवसीय यात्रा के दौरान अफ्रीकी देश केमान, सेनेगल और खाड़ी देश कतर जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता की इन देशों की यह पहली यात्रा है। इस दौरान उपरोक्त देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से मुलाकात होगी। इसके अलावा इस दौरे पर व्यापार गोलमेज को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। 30 मई यानी आज के सुबह के कारोबार में जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में 2% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल 9:50 के आसपास एनएसई पर शेयर 11.15 अंक यानी 2.03% टूटकर 538 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। कंपनी ने 27 मई यानी शुक्रवार को अपने तिमाही के नतीजे पेश किए थे। हाल की मुश्किलों के बावजूद पिछले कुछ सालों के दौरान घरेलू इक्विटी बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। देश के इक्विटी बाजार में कोविड-19 के मामलों में बढ़त के बीच तेज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अधिकांश शेयरों में उनके मार्च 2022 के निचले स्तर में भारी उछाल देखने को मिला है। घरेलू म्यूचुअल फंड ने बाजार की गिरावट का इस्तेमाल क्वालिटी शेयर में निवेश के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल के लोकप्रिय 15 मंत्रियों का एक सर्वेक्षण कराया गया। इसमें शीर्ष पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, वो एनडीए विरोधी समर्थन लोगों में लोकप्रिय बनकर उभरे हैं। दूसरे नंबर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, फिर भी पार्टी प्रदेश के नेताओं को काफी अहमियत दे रही है। कांग्रेस के लिए यह सबसे खास समय है। कांग्रेस नेताओं को पार्टी में बनाए रखने के लिए कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत बनी हुई है। पार्टी के एक से बढ़कर एक नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। फार्मा कंपनी यूनिकेम लैबोरेटरीज ने बताया है कि उसके बोर्ड ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 200% यानी कि 4 रुपए लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी के इस ऐलान के बाद सोमवार को शेयर बाजार में यूनिकेम लैबोरेटरीज के शेयरों में करीब 17% की भारी उछाल देखने को मिली। श्रीलंका की स्थिति डावाडोल बनी हुई है। जल्द उपाय नहीं किए गए तो करीब 2.25 करोड़ आबादी वाले देश में गृह युद्ध शुरू हो सकता है। श्रीलंका अपने कर्ज को चुकाने में नाकाम रहा है। श्रीलंका के लोगों को तुरंत खाने पीने की चीजें, फ्यूल और फर्टिलाइजर की जरूरत बताई गई है। इसके लिए सरकार को $4 अरब चाहिए है। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार केआरके ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने फिल्म में आमिर और करीना के रोल का जिक्र करते हुए दोनों को एक्टिंग से दूर रहने की नसीहत दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दम पर राज करना चाहता है। उसने भारत को भी इसमें शामिल करने का प्रलोभन दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया। वो पाकिस्तान में सीपैक परियोजना चला रहे हैं, म्यांमार में वो निवेश कर रहे हैं, लाओस में उसने निवेश किया है, श्रीलंका में चीन का भारी निवेश है, मालदीव में भी हालात कमोबेश वैसे ही है। इन देशों का क्या हाल है वो दुनिया से छिपा नहीं है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर 20 मई को रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो पहले एक फिल्म के लिए कार्तिक 15 से 20 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे, अब अभिनेता प्रति फिल्म 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। अगर एक्टर ऐसा करते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि कार्तिक ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है और वो इसके हकदार हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इंडिया पोस्ट ने 38,926 ग्रामीण डाक सेवकों को बीएमपी एबीपीएम डाक सेवक के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। आवेदन इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर ऑनलाइन जमा किया जाना है। जानकारी के अनुसार रूस के हमलों में इस शहर की 90% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसका मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देश में लंबी रेंज तक मार करने वाले हथियार मांगे हैं। डोनबास के सबसे बड़े शहर सिवी रोदोन्स्क में लड़ाई के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रहे तारा एयरलाइन विमान लापता हो गया था। इस विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग सवार थे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख के अनुसार मैस्टैक के कुवांग में ये विमान मिला है। स्थानीय लोगों द्वारा नेपाल सेना को दी गई जानकारी के अनुसार तारा एयर का विमान मानापति हिमाल के भूस्खलन के तहत लामजे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई है। स्पेन, आइसलैंड, अमेरिका और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन के लोगों को भी सप्ताह में 4 दिन काम और बाकी दिन आराम करने को मिलेगा। काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बैठाने के लिए ये पहल की जा रही है। भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक है और ये हर नागरिक के पास होना अनिवार्य है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वो दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड को केवल मास्क ही किसी को शेयर करें।
पाकिस्तान में इस साल गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका। इस बीच पाकिस्तान में लगातार गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है। लगातार गेहूं की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान की आम जनता त्रस्त है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर गेहूं की कीमत कम नहीं होती है तो वो कल से कपड़ा बेचना शुरू कर देंगे और लोगों को सस्ता गेहूं उपलब्ध कराएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम का हिस्सा बने हैं। इस सीजन में आरसीबी के साथ जुड़ने के बाद दिनेश कार्तिक एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए हैं और विकेट के आगे यानी बल्लेबाजी में जमकर अपना जौहर दिखाएंगे। उनके इस प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें आईपीएल 2022 में बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुना गया है, साथ ही उन्हें इनाम में कार मिली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है श्री श्याम कन्हैया, अखिलेश यादव, नन्नू कुमार, सुमन सौरभ, अहरान ऋतिक, आलोक कुमार, मिंटू कुमार, हुमायूं आलम, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, के सिंह, ज्ञानती देवी, आलोक कुमार, आर्याव्रत। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल के आईपीएल का खिताब जीतने के बाद क्या हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम में भी कप्तानी का मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।